हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे बोया प्रो माइक का। देखिए, ये माइक के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में इनबॉक्सिंग करेंगे, अनबॉक्सिंग। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माइक है। अगर आप लोग भी रिव्यू करना चाहते हैं, इसको ख़रीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। इसको इसमें क्या क्या सामान देता है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। जानने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह से काफ़ी सारा अपडेट मिलता रहता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं आरके हेल्प टू मी। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में बात करेंगे बोया वन प्रो माइक के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग यूट्यूबर हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के लिए माइक की ज़रूरत होता है, तो इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए, बाय करने के लिए फुल डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। पहले इस बोया माइक को, प्रो को अनबॉक्सिंग करने के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। किस तरह से अनबॉक्सिंग करना होता है फुल डिटेल में आपको बता दिया। हम मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पे डब्बा देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट के द्वारा ये माइक मंगाया गया था। आप लोग भी मंगाना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, अगर आप लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं तब। ऐसे इसको हम ओपन करके दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ देता है, बस आप लोग बने रहिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिल है इसका। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, हम प्रो वाला माइक मंगाए थे, लगभग इसमें 1,550 रुपये पड़ा था। चलिए इसको हम रख लेते हैं, बिल हो गया, साइड में रख लेते हैं। उसके बाद इसमें डब्बा से ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पे डब्बा को साइड कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है डब्बा में, आप लोग देख सकते हैं डब्बा में कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं। इसको साइड में कर लेते हैं, उसके बाद इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से निकला है, आप लोग यहाँ पर डब्बा में देख सकते हैं। बस इसको भी साइड में रख लेते हैं। उसके बाद इसमें देख सकते हैं आप लोग, सहायता के लिए यूट्यूब वीडियो, मतलब इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी इसके लिए दिया है। बस इसको देख लेते हैं, बस इसके बारे में, बोया का माइक के बारे में दिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं बोया का माइक है, और देख लेते हैं, बस कुछ नहीं है, और ये तो कुछ भी नहीं है। इसमें देखते हैं क्या है, बस आप लोग वीडियो बने रहिए। देखिए अब कुछ नहीं है, देखिए इसमें दिया है ये वाला, और ये इतना सारा सामान दिया है, और इसमें देखिए माइक होगा। इसको ओपन करके दिखाते हैं, यूट्यूब के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, यूट्यूब के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। आप लोग इस माइक से मदद से आप वीडियो बना सकते हैं, देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बस ये माइक रहा, बस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बस इतना ही सामान है। बस देखिए इसको सेट करने के लिए, बस इसको ऐसे कर लेना है, इसमें इस तरह कैसे करना है। उसके बाद ये वाला है, ये वाला ऐसे कर लेना, इसमें ऐसे लगा देना, ठीक है। और इसको ऐसे ही इसको लपेटने के लिए रखा गया है। और बस इसको देखिएगा, इसमें आप लोग यहाँ पे देखिए प्रो वाला माइक था, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BYMI प्रो, ये बोया का माइक है प्रो वाला। एक आता है बोया वन M1 तो ये प्रो वाला है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डबल बटन दिया हुआ है, प्रो वाला में डबल बटन होता है, लेकिन अगर प्रो वाला नहीं लेते हैं तो सिंगल बटन देगा। तो देखिए सबसे पहले, अगर आप लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, तो आप लोग रिकॉर्ड कैसे कीजिए, आप लोग यहाँ पे देखिए कैमरा आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप मान लीजिए DSLR कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कैमरा पे से करके कर देना है, तब आप लोग रिकॉर्ड कीजिएगा। अगर आप लोग कैमरा पे कर रहे हैं तो इस पर करना है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर जीरो पे अगर दिख रहा है ना, यहाँ पे जीरो, इस पर क्लिक करते हैं, जो भी आसपास के आपको अगल बगल की आवाज़ आता है वो आपको इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखिए 10 dB लिख रहा है, 10 dB अगर इसको इनेबल कर देते हैं, तो जितने भी आसपास की आवाज़ जितने भी आते हैं इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, आपको ओनली आवाज़ रिकॉर्ड होगा। ओनली कैमरा का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑफ स्मार्टफोन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्टफोन पे अगर क्लिक करते हैं, जो भी आप मान लीजिए स्मार्टफोन पे क्लिक कर दिए, आपके पास तो कैमरा नहीं होगा, तो मोबाइल से रिकॉर्ड करते होंगे ना, तो स्मार्टफोन से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं।
स्मार्टफोन पे आप रिकॉर्ड करके, लेकिन आपको यहाँ पे -10 dB होना चाहिए, तब आपको अच्छी क्वालिटी आएगा। काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, अभी ऑफ़र लगा हुआ है फ्लिपकार्ट पे, आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं। ऐसे में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अमेजोन पे भी उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पे भी है, ऐसे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। मान लीजिए आप लोग को वीडियो नहीं समझ में आया तो शुरू से एंड तक देखिए, आप लोग भी बोया कमाए का मंगा के यूट्यूबर बन सकते हैं, यूट्यूब वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये माइक अच्छा है, मैं इसी माइक को यूज कर रहा हूँ तब जाके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। आप लोग भी खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे फ्लिपकार्ट यूट्यूब से रिलेटेड काफ़ी सारा अपडेट मिलता रहता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिलहाल आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।